गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बस सुबह सुबह उठते से ही कचरा घर का बाहर किया, उसके बाद ज़्यादा लाइट नहीं चला सकती घर में, तो सिर्फ बाथरूम की चलाई थी। और क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे, संडे का दिन था तो हमारा संडे कुछ खास नहीं गया, हमने कुछ खास नहीं किया। और आज वॉक पे भी नहीं जा पाई क्योंकि ईशू की थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो बस ब्रश वगैरह करने के बाद यहाँ कपड़े रखे हुए थे जो कि सैटरडे में धोए थे, तो मतलब तय लगा के रखने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी कर रही थी सुबह सुबह, बच्चे सो रहे थे तभी मैंने सोचा कि ये काम निपटा देती हूँ, नहीं तो फालतू में टब यहीं पे पड़ा रह जाएगा डाइनिंग टेबल पे और फिर बच्चे गंदा कर देंगे, कपड़ा पूरा फेंक देते इधर से उधर। तो सारे कपड़े सेट करके रख रही थी, जो जिसके जहाँ रहते हैं तो वहाँ रख देती हूँ ताकि निकालने में, और सारे कपड़े अलग अलग रखती हूँ, लोअर अलग, टी शर्ट्स अलग, तो क्या निकालने में आसानी रहती है। जब भी यूज़ करना होता है तो पता होता है कि किसका कहाँ सामान रखा रहता है। और बच्चों का तो बिल्कुल अलग रखती हूँ, तो बच्चे अपने हिसाब से निकालते रहते हैं। बच्चे मतलब इशू तो नहीं निकाल पाता, मिस्टी अपने से अपना कपड़ा निकाल करके पहन लेती है उसे, जो भी पहनना होता है। तो बस ये सब काम अगर सुबह सुबह निपट जाते तो ऐसा हल्का काम लगने लगता है घर का। और ये सब काम करने के बाद बस यहाँ आ गई थी किचन में, तो सोच रही थी क्या बनाऊँ ऐसा कि बच्चे आराम से खा लें। मिस्टी तो खा लेती है, उसका कुछ ज़्यादा ऐसा रहता नहीं है, इशू का ही है, इसको कुछ हो रखी है सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा वाली। तो इडली का बैटर जो कल तैयार किया था आज अच्छे से फर्मेंट होके तैयार हो गया। तो यहाँ सांभर के लिए कुछ कुछ चीज़ें देख रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आया था सांभर में क्या डालूँ, कुछ है ही नहीं, ना लौकी है ना कुछ भी नहीं है। तो सोचा चलो एक नॉर्मल सा मतलब ड्रमस्टिक वगैरह डाल करके ही बना लेती हूँ। और अपने लिए यहाँ पर गर्म किया था पानी, तो नींबू पानी सुबह सुबह ले रही हूँ जो कि हमेशा ही लेती हूँ। और बस ड्रमस्टिक और इसमें टमाटर डालकर ही सांभर बनाऊँगी, और सांभर मसाला डाल दूँगी तो टेस्ट आ ही जाएगा। चीज़ें नहीं हैं तो फिर ऐसे ही मैनेज करना पड़ता। और यहाँ छोटे साहब सो के उठ गए हैं, और इनकी आदत है ये उठते से ही बस चढ़ जाएंगे चूल्हे पर, तो चढ़ गए हैं ये। और जब तक मैं खाना बनाऊँगी तब तक यहीं चढ़े रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो बस यहाँ दो ड्रमस्टिक का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ड्रमस्टिक बहुत ज़्यादा मतलब इसका मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होती है ये, तो इसको हिसाब से ही खाना चाहिए। तो बस यहाँ इसे इसका जितना भी ऊपर का ये जो छिलका होता है ना ये हटा दूँगी, ताकि ड्रमस्टिक का जो टेस्ट है ना वो कड़वा ना आए। नहीं तो अक्सर क्या होता है अगर ड्रमस्टिक के छिलके नहीं हटाओ ना तो ये कड़वे लगते हैं। और सुबह सुबह जो चिड़िया की आवाज़ आती है ना बड़ी अच्छी लगती है, कानों को बड़ा सुकून देती है। तो ये वाला जो समय होता है ना सुबह उठने का, ये जो नहीं उठ पाते हैं ना वो मिस कर देते हैं, और मैं तो नहीं मिस करती, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। चिड़ियों की चहचहाहट और ऐसे तेज़ हवाएं चलती हैं सुबह सुबह, ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो जब आज सुबह गई थी टहलने के लिए, एक्चुअली स्काई वॉक पे ही थोड़ा टहल लिया था उठते ही, जब कचरा रखने गई थी तो सोचा चलो 10-15 मिनट यहीं पर टहल लेती हूँ। तो क्या दो बिल्डिंग के बीच में एक दो बिल्डिंग को आपस में जोड़ने के लिए बीच में बना रहता है ना, उसी में बस वॉक कर लिया था। फिर इसके बाद ही आके ब्रश वगैरह किया, बोले चलो यहीं पे रख, क्योंकि उतनी समय कोई जल्दी उठा भी नहीं रहता है। एक ही दो लोग जो मतलब रहते हैं कि जिनको सुबह उठना है, वॉक करने जाना है, टहलने जाना है, सिर्फ वही लोग उठते हैं, तो बाकी लोग तो सोते ही रहते हैं, या सोते भी नहीं रहते होंगे तो अपने घर का काम करते हैं। बहुत लोग नहीं पसंद करते सुबह सुबह निकलना घूमना, बहुत लोगों को बहुत सारा काम रहता है। तो मेरी तो आदत है घूमने की, और बस इसके लिए निकाल लिया है इडली के लिए, इडली का छोटा वाला मोल निकाल लिया है, इसी में इडली बनाऊँगी, बड़ा वाला सांचा नहीं निकालूंगी क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं भिगोया था। दीदी को बोलो उठो दीदी, तो इसलिए छोटे सांचे में ही बन जाएगा, भगोने में ही तैयार हो जाएगा इडली। तो इडली सांभर बनाऊंगी नाश्ते में, और ये मेरा ना लंच में भी यही चलने वाला है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं घर में, बच्चे और मैं ही हूँ, तो ऐसा कुछ रहता नहीं है ज़्यादा। कभी कभी हल्का फुल्का ही काम चल जाता है, जब ज़्यादा नहीं खाते हैं बच्चे, जैसे अभी थोड़ा सा इशू बीमार है तो वो नहीं खाएगा अभी, तो ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी, जितना हो सकता है सिंपल ही खाना बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे अरहर की दाल वगैरह डाल दी थी कुकर में, और ये सांभर फटाफट से बन जाएगा।
और इसमें कोई अलग से तड़का नहीं लगाऊंगी, बस सरसों का तेल डाला था, उसमें हींग डाली थी और थोड़ा सा अदरक और टमाटर डालने के बाद इसमें डाल दिया था ड्रमस्टिक, और इसके बाद डाल दी थी अरहल की दाल और नमक और सांभर मसाला। तो बन जाएगा, 2 सीटी में तैयार हो जाएगा। अलग से तड़का नहीं लगाऊंगी इसमें, कि थोड़ा कम ही तेल वाला खाना बनाना है। और इधर प्याज कट कर रही थी एक्चुअली। ये काफ़ी टाइम से मेरे पास ना मूंग दाल के स्प्राउट्स रखे हुए थे, मैंने सोचा चलो आज मैं खाती हूँ उसे नाश्ते में। और मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि रात में मैंने कुछ भी नहीं खाया था, खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो सुबह बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी, मुझे बर्दाश्त नहीं होती है जल्दी भूख, और मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो बस नाश्ता बनाते बनाते बच्चों का मैं अपना नाश्ता यहीं पे कर लूँगी। तो बस इसमें प्याज और टमाटर डाल दिया था, और हरी मिर्च डाल दूँगी, और थोड़ा सा नमक, काला नमक और थोड़ा सा नींबू। तो बढ़िया सा चटपटा सा बन के तैयार हो जाएगा। और एक हरी मिर्च भी डाली थी क्योंकि बच्चे तो ये खाएंगे नहीं, तो मैं आराम से हरी मिर्च डाल के खा सकती हूँ। और ये बड़ा अच्छा लगा था मुझे सुबह सुबह ये खाना, स्प्राउट्स वगैरह खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस वजह से चटपटा बना लो ना तो और भी अच्छा टेस्टी लगता है। अब बस इडलियों को बना लूँगी, और एक बार में ही सबके लिए हो जाएगी इडली, ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा। और थोड़ा सा लगेगा तो बचा रहेगा बैटर, तो डोसा भी बना लूँगी इसी में, क्योंकि मैं अलग से कोई डोसे का बैटर तैयार नहीं करती हूँ, एक ही बैटर में दोनों चीज़ें बना लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका था यहाँ पे, थोड़ा सा ही भिगो के रखा था इस बार चावल और दाल, और इसमें डाल दूँगी हल्का सा नमक। तो ये बिल्कुल इडली बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था ये, तो इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, कुछ ज़्यादा ही थिक है। अगर ज़्यादा थिक रहता है ना बैटर तो फिर आपकी फुली फुली बढ़िया सी इडली नहीं बनती है, उसमें एयर नहीं आता है। और यहाँ पे टमाटर, सॉरी यहाँ पे लिया था आलू। आलू को दो दो टुकड़े करके क्या है इसका, मैं डबल यूज़ करूँगी, गैस तो मेरी जाएगी ही, बर्बाद होगी, मतलब यूज़ होगी मेरी गैस, तो इसी में मैं आलू भी उबल जाएगा, मेरा इडली भी बन जाएगा। तो मुझे अलग से कोई आलू उबालने के लिए तपेले चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है या उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में दोनों काम हो जाएंगे मेरे। और आलू ऐसा लगा था कि डोसा बनाऊंगी ना, तो आलू का मसाला जो तैयार होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू डाला था, बट मैंने इसे रात में सब्ज़ी बनाई थी, मसाला वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। और आलू की सब्ज़ी बना ली थी, इसे हल्का सा फ्राई करके, और इसमें बना लिया था रोटी। तो रात में डिनर में हो जाएगा हमारा। और कभी कभी इस तरह से आलू की सब्ज़ी खाना अच्छा लगता है। तो इस तरह से सारे के सारे सांचे तैयार कर लिए हैं, और इस नए वाले बड़े वाले तवे में मैं डोसा बना रही थी, और इतना बढ़िया डोसा बनके तैयार हो रहा था, बिल्कुल तेल वेल का यूज़ नहीं किया था यहाँ पे, बस फटाफट से मतलब पलट जा रहा था, एकदम बढ़िया सा, बिल्कुल बिना चिपके हुए बन रहा था। नहीं तो अक्सर क्या होता, आप जो तवा रेगुलर यूज़ करते हो ना, तो फर्स्ट डोसा तो आपका चिपकता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था। जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल सुबह सुबह का नाश्ता रेडी होने लग रहा है, क्योंकि अभी पूरा तो नहीं बना है, तो यहाँ बच्चों के लिए बनाया था ये डोसा, प्लेन डोसा है, और ये खाएंगे सांभर के साथ। तो सांभर भी बहुत प्लेन बना रखी है, क्योंकि थोड़ी यीशु की तबीयत ख़राब है, तो ज़्यादा खटाई वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, प्लेन दाल जैसा ही बनाया, बस इसमें ड्रमस्टिक और टमाटर का यूज़ किया और कुछ भी नहीं। और इधर इडली बन रही है, तो इडली बनेगी तब खिला दूँगी, फिलहाल तो इनका ये नाश्ता करवा ही देती हूँ। गजब की बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा तेज हो रही है बारिश। आ जाओ ईशु, आ जाओ। तो अभी गजब की बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा तेज हो रही है बारिश, और घर का सारा काम हो गया, हम लोग बस अभी लेटे हुए हैं, बेड पे नहाने का मन नहीं कर रहा, बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा ना, पर थोड़ा थोड़ा चलो नहा लेते हैं। और फिर शाम को लगभग 4 बज रहे थे, और हम लोग नीचे आए हुए थे, तो यहाँ बच्चों को थोड़ा गेम खिलाया जा रहा था, तो मिसी ने पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया, तो उसे डांट पड़ी थी। तो इन दोनों का चल रहा है डिनर,
तो इन लोगों के लिए आलू की सब्जी जो सुबह उबाली थी, आलू उबाला था उसकी सब्जी बना दी है सूखी वाली, और साथ में रोटी है, तो दोनों भाई बहन खा रहे हैं। और आज तो मेरा अजीब सा पेट ही खराब हो रखा है डोसा खा करके, पता नहीं ज्यादा ही खा लिया शायद इसीलिए। और अभी ना बहुत मम्मा बड़ा देखो। हाँ बहुत अच्छा है, खाओ खाओ, हाँ खा लो। और अभी मिष्टी का प्रोजेक्ट बनवाना है, उसके स्कूल में बोला गया कल के लिए, तो अभी बैठना है बनाने के लिए और बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है बनाने, मेरा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा पर बनाना पड़ेगा। तो अभी चलती हूँ, इन लोगों का प्रोजेक्ट देखती हूँ कितना बना पाती हूँ, नहीं तो रात में बनाऊँगी, और बहुत तेज़ नींद आ रही है।